कि जवानी जब भी जागी तो सुखद मधुमास बन जाता, आचरण बद्ध हो जाए तो फिर वनवास बन जाता। आचरण बद्ध हो जाए, याद करिए राम को, मना कर सकते थे? यहां तो एक बार टिकट नहीं मिलती तो दल छोड़ दिया जाता है, और जिसे चक्रवर्ती सम्राट बनना है, कल्पना करें, कल चक्रवर्ती सम्राट बनना है और आज कहा जाए कि सम्राट तो तुम बिल्कुल नहीं बनोगे, चलो उतना भी पर्याप्त था, लेकिन तुम सम्राट भी नहीं बनोगे और अयोध्या में भी नहीं रहोगे और ये भलकल वस्त्र धारण करो, तुम्हें वन में जाना है, और वो चल देता है। हम राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते, क्षमा कीजिएगा। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि जवानी जब भी जागे तो सुखद मधुमास बन जाता, आचरण बद्ध हो जाए तो फिर वनवास बन जाता। जगे जब राष्ट्र रक्षा हित चटा दे धूल शत्रु को, जगे जब राष्ट्र रक्षा हित चटा दे धूल शत्रु को, शौर्य प्रतिमान बन जाए अमित इतिहास बन जाता। शौर्य प्रतिमान बन जाए अमित इतिहास बन जाता। ये दायित्व केवल 50 डिग्री माइनस 50 डिग्री और प्लस 50 डिग्री टेम्परेचर में सीमाओं पर तैनात जवानों का ही नहीं है, वो भी किसी घर के बेटे हैं, किसी के पति हैं अथवा बन सकते हैं। और अगर बात अगर तनख्वाह और सैलरी की जाए तो नोएडा के किसी भी कंपनी में 40-50 हज़ार तो उन्हें भी मिल सकता है, मूंगफली की रेडी लगा के भी कमा सकते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए क्या जज्बा है उनके अंदर। और जब ऐसे किसी सैनिकों का शव तिरंगे में लपटा हुआ गांव आता है तो लेखनी छटपटाती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, और तब लिखती है कि शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, शहादत सैनिकों की जब खबर बन घर पे आती है, अश्रु ढारे हिमालय और झेलम थर थराती है। साधारण की बात छोड़िए, मनुष्य की बात आप छोड़े, अश्रु ढारे हिमालय और झेलम थर थराती है, सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा तो, सिंधु धरती गगन को नित नमन करते जो देखा तो, मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। मेरी वाणी कहानी वीर बलिदानी सुनाती है। क्यों? क्योंकि एक संदेश वो दे के चले जाते हैं कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है। कभी मिला है क्या? आजादी थाल में सजा के दी गई थी क्या? 6,32,000 पता नहीं कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तब एक संदेश है कि बन के याचक भटकने से कहां अधिकार मिलता है, चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है, हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें ये प्यार मिलता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तब कुछ पंक्तियां अब उन क्रांतिवीरों के लिए समर्पित करना चाहता हूं, कहने को तो बहुत कुछ है जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया, हमें स्वतंत्र भारत दिया। क्या हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं? अगर है तो बीड़ी हम जिगर से ही क्यों जलाते हैं, पौआ चढ़ा के फेविकोल लेके घूमते फिरते हैं। हमें गर्व होना चाहिए, हम 100 जन्म लेके भी उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। तब मैं कहता हूं कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें उनका बखान आठो याम करते हैं हम, कि जिन धीर वीरों ने स्वतंत्रता दिलाई हमें उनका बखान आठो याम करते हैं हम, ओजपूर्ण कविता बना के वीर रस घोल जिसका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम, जिनका प्रचार ग्राम ग्राम करते हैं हम, देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए, देश हित जिन ललनाओं ने सुहाग दिए,
नित्य अविराम गुणगान करते हैं हम। और पुलवामा में शहीद वीरों के ही संग संग सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। सकल शहीदों को प्रणाम करते हैं हम। क्यों प्रणाम करते थे? क्या ये प्रणाम में थे? इनमें से कौन चारा खाया, कौन कोयला चबाया, कौन तार खोल पिया? आप देखें कि माता का दुलार, ग्राम वासियों का छोड़ प्यार, वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। एक भी चरित्र देखें आप, माता का दुलार, ग्राम वासियों का छोड़ प्यार, वेड़िया गुलामी वाली काटने को ठाना था। हौसले किए बुलंद वीरता के गाके छंद, लक्ष्य एकमात्र माँ की अस्मिता बचाना था। लक्ष्य एकमात्र माँ की अस्मिता बचाना था। रणभेरी तान छेड़ दुष्ट याता ताइयों को, रणभेरी तान छेड़ दुष्ट याता ताइयों को, देश छोड़ भागने पे भी बस कराना था। शत्रुओं को अस्त व्यस्त पस्त कर देने वाले क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना था। क्रांतिकारियों का नाम दुनिया ने जाना।